हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन। भैया आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द रैट ट्रैप चैप्टर को, जिसे लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने। और मैं तुम्हें बता दूं, क्लास 12 के लिए इंग्लिश का कोर्स मेरे खुद के ऐप एडुकेशनल भैया में लॉन्च हो चुका है, जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो अगर तुम मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपली प्ले स्टोर से एडुकेशनल भैया ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और ज्वाइन कर लो। बहुत ही सिंपल है। और अगर तुम्हें डिटेल में जानना है कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या होने वाला है, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, 10 मिनट का वीडियो है। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या होने वाला है और ऐसे तुम लोग 80-80 ला सकते हो। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो इस कोर्स के लिए, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ। चलो अब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी एक रैट ट्रैप सेलर के बारे में है, जो भीख मांग मांग के रैट ट्रैप बनाता था। मतलब रैट ट्रैप बनाने के लिए उसको जो सामान की जरूरत पड़ती थी, उसके लिए वो भीख मांगता था। हालांकि उसे हमेशा भीख नहीं मांगना पड़ता था, वो कभी कभी ऐसी फार्म में घूमते रहता था और उसे घूमते घूमते ही रैट ट्रैप का सामान मिल जाता था। देखो, रैट ट्रैप बनाने के लिए चाहिए ही क्या, वो पतले पतले वायर्स लेता था, उन्हें जोड़ता था और रैट ट्रैप बना लेता था। हालांकि ये काम ज्यादा प्रॉफिटेबल था नहीं, उसको ज्यादा फायदा नहीं होता था, इसलिए वो अपनी लाइवलीहुड के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए, छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, इस चैप्टर में रैट ट्रैप सेलर को पिडलर और वेगाबॉन्ड नाम से बुलाया गया है, तो कंफ्यूज मत होना। पेडलर और वेगाबॉन्ड का मतलब होता है ऐसे लोग जिनका अपना घर नहीं होता है, वो लोग बस घूम घूम के छोटी मोटी सामान बेच बेच के पैसा कमाते हैं। रैट ट्रैप सेलर फटे पुराने कपड़े पहनता था, उसके चीक्स भी दबे हुए थे और उसके आंखों में साफ साफ भूख झलकती थी। मतलब बेसिकली वो एक मैल न्यूट्रिशन इंसान जैसा दिखाई देता था। और देखो, क्योंकि रैट ट्रैप सेलर के पास दिन भर में बहुत ज्यादा खाली टाइम रहता था, इसलिए वो कुछ कुछ सोचते रहता था। और ऐसे ही उसे एक दिन दिमाग में स्ट्राइक करता है कि ये जो पूरी दुनिया है ना, वो एक रैट ट्रैप है। मतलब ये जो लैंड है, सी है, ओशियन है, सिटीज है, सब कुछ एक रैट ट्रैप है। और ये सब एक पर्पस को पूरा करती है, वो पर्पस है बेट्स लगाना। जैसे चूहों को फंसाने के लिए हम चीज लगाते हैं ना, वैसे ये जो लैंड है, ओशियन है, सिटीज है, ये सब बेट्स लगाती है हम इंसानों को फंसाने के लिए। और वो सभी बेट्स क्या है, रिचेस, जॉयज, क्लोदिंग, फूड, शेल्टर, ये सभी बेट्स है। ये सभी बेट्स है जो हम इंसानों को फंसाती है। मतलब एक इंसान इन सभी चीजों में फंस कर रह जाता है और खत्म हो जाता है। फिर हमारे ऑथर हमें बताते हैं कि रैट ट्रैप सेलर दुनिया वालों के बारे में इतना खराब खराब इसलिए सोचता था क्योंकि पहली बात तो वो गरीब था, दूसरी बात ये दुनिया वाले लोग कभी भी उसके प्रति काइंडनेस शो नहीं किए, कभी भी उससे अच्छे से बात नहीं किए, कभी भी उससे अच्छे से ट्रीट नहीं किए। इसलिए जो रैट ट्रैप सेलर था, वो हमेशा सोचते रहता था कि ये जो दुनिया वाले लोग हैं, ये एक रैट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। मैं हूँ एक रैट ट्रैप सेलर और एक शाम को मैं ऐसे ही चलकर कहीं जा रहा होता हूँ और तभी मुझे एक ग्रे कॉटेज दिखाई देता है। फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना उस कॉटेज के ओनर से पूछूं कि क्या रात भर मैं उस कॉटेज के अंदर रुक सकता हूँ। यूजुअली जो लोग थे ना, वो रैट ट्रैप सेलर को भगा देते थे। ऑब्वियसली बात है, चलो मान लेते तुम्हारे घर में कोई ऐसी रोड में घूमता हुआ इंसान आ जाए, वो बोलेगा कि मेरे को आज रात भर रुकना है, तो तुम रुकने दोगे? नहीं रुकने दोगे ना। तो वैसे ही लोग करते थे, लोग रैट ट्रैप सेलर को भगा देते थे, अनजान इंसान था, क्यों रुकने देंगे अपने घर में रात में? डर लगता है ना कि चोरी वोरी ना कर ले, कोई कांड ना कर दे। लेकिन उस दिन उस ग्रे घर से एक बुढ़ा इंसान निकलता है, जो रैट ट्रैप सेलर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि चलो कोई तो आज बात करने के लिए मिला, क्योंकि उस बुढ़े इंसान की, जिसका नाम क्रॉफ्टर था, उसकी कोई वाइफ नहीं थी। क्रॉफ्टर रैट ट्रैप सेलर के लिए डिनर बनाता है और दोनों साथ में मिलकर डिनर करते हैं, स्मोक करते हैं, उसके बाद ताश पत्ती खेलते हैं, ताश पत्ती मतलब कार्ड्स खेलते हैं। उसके बाद वो बुढ़ा आदमी, मतलब जो क्रॉफ्टर होता है, वो एक सीक्रेट बताता है। मेरा नाम क्रॉफ्टर है बेटा, मैं पहले ना रामजो आयरन मिल में काम करता था, लेकिन फिर मैं काम छोड़ दिया। तो काम छोड़ने के बाद मेरे पास एक गाय थी, एक गाय थी, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो जो गाय थी ना, वो बहुत दूध देती थी, इतना दूध देती थी कि मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। और तुम्हें पता है, लास्ट मंथ ही इस काओ के वजह से मैंने 30 क्रोनोर कमाया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, क्रोनोर स्वीडन की करेंसी है, स्वीडन। ओके रुको बेटा, मैं खिड़की के पास से पाउच निकाल के तुम्हें दिखाता हूँ, उसके अंदर 30 क्रोनोर रखे हुए हैं। और उसके बाद मैं रैट ट्रैप सेलर को वो सारे पैसे दिखाता हूँ, पाउच दिखाता हूँ, और फिर वापस वहीं पर रख देता हूँ। उसके बाद हम लोग दोनों सोने चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे दूध निकालने जाना था काओ से। क्या सोच रहे हो तुम लोग, काओ? हाँ, काओ का दूध निकालने जाना था। इसलिए वो रैट ट्रैप सेलर भी जल्दी उठ जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, कोई भी इंसान एक अनजान आदमी के भरोसे अपना घर छोड़ के तो नहीं जाएगा ना। इसके बाद जो रैट ट्रैप सेलर होता है, वो क्रॉफ्टर को थैंक्स बोलता है, गुड बाय बोलता है और वहां से चला जाता है। लेकिन फिर वो कुछ घंटे बाद वापस आता है, ग्लास विंडो के पास खड़ा होता है, ग्लास विंडो को तोड़ता है और अंदर से पाउच निकालता है, जिसके अंदर 30 क्रोनोर के नोट रखे हुए थे। फिर उस पाउच से 30 क्रोनोर निकालता है और वापस से उस पाउच को वहीं पे अंदर में टांग देता है, और फिर 30 क्रोनोर चोरी करके वहां से भाग जाता है। मैं स्टार्टिंग में बहुत अच्छा फील कर रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं कितना ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ कि मैंने इतने सारे पैसे चुरा लिए। और इसके बाद मैं पब्लिक हाईवे की तरफ जाने के जगह जंगल की तरफ निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं हाईवे की तरफ गया और मैं पकड़ा गया तो मुझे सारे
पैसे वापस देने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही मैं जंगल के अंदर घुसता हूँ, तभी मुझे रियलाइज होता है कि वो जंगल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मैं एकदम सीधे चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बार बार घूम कर एक ही जगह पे आ जा रहा था। मतलब वो जो जंगल था वो बिल्कुल भूल भुलैया की तरह था। मैं घूम फिर के वापस एक ही पॉइंट पे आके खड़ा हो जा रहा था, और ये मेरे साथ बार 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 हो रहा था। और तब मुझे आखिरी में जाके रियलाइज होता है कि मैं जंगल के अंदर भटक चुका हूँ। रुको रुको बच्चों, अगले सीन में जाने से पहले मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ कि मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, इसलिए मुझे रैट ट्रैप बेचना पड़ रहा है। लेकिन क्या तुम्हें पता है बोर्ड एग्जाम देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर साल कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं जो पहले भी आ चुके होते हैं। इसलिए मैं लाया हूँ तुम सबके लिए दिशा पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर के कॉम्बो बुक्स, जो कि हर सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। इस बुक में तुम्हें चैप्टर वाइज एंड स्किल वाइज पीवाईक्यूज मिलेंगे। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज तो समझ में आता है, लेकिन ये स्किल वाइज पीवाईक्यूज क्या है? इसका मतलब क्वेश्चन डिवाइडेड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। और ये मत सोचना कि इसमें सिर्फ 5 या 6 साल के पीवाईक्यूज है, इसमें टोटल 11 साल के पीवाईक्यूज है, प्लस स्टिप मार्किंग के साथ सभी के आंसर्स भी है। तुम्हें 2021 से 2023 के टॉपर्स आंसर शीट भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। तुम टॉपर्स के आंसर शीट को देखकर समझ सकते हो कि तुम्हें खुद बोर्ड्स में कैसे लिखना है अगर तुम्हें फुल मार्क्स चाहिए तो। और ये मत सोचना कि इस बुक में सिर्फ पीवाईक्यूज है, इसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें इंक्लूडेड है टिप्स, ट्रिक्स और एक ही आंसर को दो वे में कैसे लिखना है, मतलब अल्टरनेट आंसर्स को कैसे लिख सकते हो, वो भी इसमें बताया गया है। और साथ ही साथ इस बुक में तुम्हें चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। और तुम लोग दिशा पब्लिकेशन के इन बुक्स को मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हो, और साथ ही साथ मैं लिंक कमेंट में भी पिन कर दे रहा हूं। अगर तुम्हें सिर्फ इंग्लिश का लेना है तो तुम वो भी ले सकते हो, और अगर तुम्हें कॉम्बो लेना है तो तुम वो भी ले सकते हो। अभी बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। अब चलो वापस से चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। वो रैट ट्रैप सेलर अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और खुद में सोचने लगता है कि कैसे अब वो खुद एक रैट ट्रैप में फंस गया है, और ये जो पूरा जंगल है ना वो एक रैट ट्रैप है। और देखो दिसंबर का टाइम था, उस रैट ट्रैप सेलर को बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था और उसे रास्ता भी तो नहीं मिल रहा था, इसलिए वो जमीन पर वहीं पर लेट जाता है। मतलब ऐसा प्रिटेंड करने लगता है जैसे कि वो मर गया हो। हालांकि तभी उस रैट ट्रैप सेलर को फॉरेस्ट के पास के मिल से कुछ आवाज आती है। वो आवाज कुछ और नहीं थी बल्कि आयरन स्ट्राइक करने की आवाज थी। उसके बाद वो रैट ट्रैप सेलर खड़ा होता है और उस आवाज को फॉलो करते करते एक मिल के पास पहुंच जाता है। वो मिल एक आयरन मिल था। वो मिल बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उस मिल में आयरन को प्रोसेस करने का सारा सामान था, जैसे कि आयरन स्मिल्टर्स, रोलिंग मिल और फॉर्ज। उस आयरन मिल में बहुत ही ज्यादा शोर शराबा था, और जब पहली बार रैट ट्रैप सेलर उस मिल के अंदर घुसता है ना, तो कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, किसी का भी नजर उसके ऊपर नहीं जाता है। इसके बाद मैं उस मिल में एक फर्नेस के पास जाके खड़ा हो जाता हूँ। फर्नेस का मतलब जहाँ पर आग जलती है। और मैं फर्नेस के पास इसलिए खड़ा था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी और मैं भींगा हुआ भी था। तभी उस मिल में काम करता हुआ एक ब्लैकस्मिथ उस पेडलर मतलब रैट ट्रैप सेलर को देख लेता है, लेकिन वो उसको भगाता नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम्हें फर्नेस के पास सोना है तो तुम सो सकते हो। उसके बाद उस मिल में आयरन मास्टर आते हैं, जो कि उस मिल के ओनर भी होते हैं। आयरन मास्टर हमेशा इंस्पेक्शन के लिए उस मिल में रात को आया करते थे, मतलब कि चेक करने के लिए कि सारा काम सही से हो रहा है या फिर नहीं। तभी आयरन मास्टर का ध्यान उस पेडलर के ऊपर जाता है, मतलब उस रैट ट्रैप सेलर के ऊपर जाता है, और वो गलती से मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो रैट ट्रैप सेलर वहाँ पे लेटा हुआ है ना, वो कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड है, मतलब उनका कोई पुराना दोस्त है, क्योंकि आयरन मास्टर पहले आर्मी में थे। और देखो क्योंकि उस टाइम मिल में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, इसलिए आयरन मास्टर को ये गलतफहमी हो जाती है। और आयरन मास्टर उस पेडलर को निल्फ ऑल्फ नाम से भी बुलाने लगते हैं, जो उनके पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड का नाम था। फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे इसकी गलतफहमी दूर नहीं करनी चाहिए, अगर ये मुझे अपना साथी समझ रहा है तो समझने दो, हो सकता है इसी बहाने ये मुझे कुछ पैसे मतलब कुछ क्रोनोस देके भी चले जाए। आयरन मास्टर को लगता है कि हो सकता है इसने रेजिमेंट को रिजाइन कर दिया होगा और उसके बाद इसकी ऐसी हालत हो गई होगी और ये रैट ट्रैप बेचना स्टार्ट कर दिया होगा। इसलिए आयरन मास्टर उस पेडलर को अपने घर इनवाइट करते हैं साथ में क्रिसमस मनाने के लिए, क्योंकि अगले दिन ही क्रिसमस था। लेकिन बहुत मनाने के बाद भी वो रैट ट्रैप सेलर उनके साथ उनके घर नहीं जाना चाहता था। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं पागल हूँ क्या जो अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारूंगा, क्योंकि अगर मैं आयरन मास्टर के साथ उसके घर गया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि घर जाने के बाद इनको पता चल जाएगा कि मैं इनका कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, और फिर मैं पकड़ा जाऊंगा। ऊपर से मैं अभी 30 क्रोनोस चुरा कर भी आ रहा हूँ, तो अगर मैं वहां पे जाके पकड़ाता हूँ, मुझे पुलिस पकड़ के ले जाते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा गंदा फंस जाऊंगा। इसलिए मैं बार बार मना कर देता हूँ कि मुझे आपके साथ नहीं जाना। आयरन मास्टर उस पेडलर को बहुत ज्यादा समझाते हैं, बोलते हैं नील्फ ऑल्फ चलो साथ में हम लोग मिलकर क्रिसमस मनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर भी वो जो पेडलर होता है, वो जो रैट ट्रैप सेलर होता है, वो उनके साथ नहीं जाता है। और उसके बाद आयरन मास्टर वहां से चले जाते हैं। और फिर ये सब कांड होने के आधे घंटे बाद इडला, जो कि आयरन मास्टर की बेटी होती है, वो एक कार से आती है, और इडला के साथ उसका सर्वेंट जिसका नाम वैलेट है वो भी आया हुआ रहता है, और उसके हाथ में एक फर कोट होता है, और वैलेट ने वो फर कोट पेडलर के लिए लाया हुआ होता है। इडला आती है और रैट ट्रैप सेलर के फेस से हैट हटाती है जो कि वो रख के सोया हुआ होता है।
फिर हमें पता चलता है कि जो रैट ट्रैप सेलर था ना, वो एक आंख खोलकर सोता था ताकि वो सोए हुए में भी चौकन्ना रह सके। इसलिए एडला जैसे ही उसके फेस से हैट हटाती है, वो तुरंत उठकर बैठ जाता है। आयरन मास्टर ने अपनी बेटी एडला को वहां पर इसलिए भेजा था क्योंकि वो मानते थे कि उनकी बेटी में बहुत ही अच्छी पर्सुएशन पावर है, मतलब बेसिकली वो किसी को भी मना सकती है। इसके बाद एडला उस रैट ट्रैप सेलर से कहती है कि आपको चिंता करने की या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप जितना फ्रीली हमारे घर में आएंगे उतना ही फ्रीली आप हमारे घर से जा भी सकते हैं, आपको कोई भी तंग नहीं करेगा, बस हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ये क्रिसमस ईव मना ले। इतने अच्छे से कोई मुझे बोलेगा तो मैं उसे मना थोड़ी ही कर सकता हूं। इसलिए मैं एडला के साथ उसके घर जाने लगता हूँ, लेकिन पूरे रास्ते में रिग्रेट कर रहा होता हूँ कि मैंने क्यों क्रॉफ्टर के घर से पैसा चुराया, क्योंकि अब मैं रैट ट्रैप के अंदर फंसते जा रहा हूँ और हो सकता है कि अब मैं इस रैट ट्रैप से कभी बाहर ना निकल पाऊँ। फिर अगले ही दिन क्रिसमस था और उस दिन आयरन मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि सालों बाद वो अपने पुराने कॉमरेड मतलब अपने पुराने दोस्त से मिलने वाले थे। इसलिए आयरन मास्टर अपनी बेटी से कहते हैं कि सबसे पहले तो वो उस इंसान को ब्रेकफास्ट करवाएंगे और उसके बाद उसके लिए कोई अच्छा सा जॉब ढूंढेंगे ताकि फिर उसे कभी रैट ट्रैप ना भेजना पड़े। जिस पे एडला कहती है कि ठीक है पापा, लेकिन जब मैं रैट ट्रैप सेलर से पहली बार मिली थी तो मुझे उसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि वो कोई पढ़ा लिखा इंसान है। जिस पे आयरन मास्टर कहते हैं कि पहले एक बार उसे नहा लेने दो, अच्छे से तैयार हो जाने दो, अच्छे कपड़े पहन लेने दो, उसके बाद तुम्हें बिल्कुल एक नया इंसान देखने को मिलेगा। इसके बाद जो वैलेट होता है मतलब उस घर का जो सर्वेंट होता है, वो रैट ट्रैप सेलर को अच्छे से नहला धुलाकर, अच्छे कपड़े पहनाकर, अच्छे से सेव कर उस रूम में लाता है जिस रूम में आयरन मास्टर और एडला बात कर रहे होते हैं। पेडलर ने आयरन मास्टर का सूट, व्हाइट शर्ट और शूज पहना हुआ होता है। इस वक्त पेडलर बहुत ही अच्छा दिख रहा होता है, लेकिन जो आयरन मास्टर होते हैं ना, वो पेडलर को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि ये उनका कोई रेजिमेंटल कॉमरेड वगैरह नहीं है, ये उनका कोई दोस्त वगैरह नहीं है, बल्कि उन्हें उसे पहचानने में गलती हो गई है। इसके बाद जो पेडलर होता है वो भी एक्सेप्ट करता है कि वो उनका कोई दोस्त वोस्त नहीं है, वो तो बस मिल में सोने के लिए आया था और इसलिए वो फोर्ज के पास लेटा हुआ था। इसके बाद आयरन मास्टर गुस्से से पेडलर को कहते हैं कि अब मैं यहाँ पे पुलिस को बुलाने वाला हूँ, जिस पे पेडलर कहता है कि सुन लो आयरन मास्टर, ये जो पूरी दुनिया है ना, वो एक रैट ट्रैप है और इस दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो एक बेट का काम करती है जिसमें सभी लोग फंसते जाते हैं, ब्ला 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 ब्ला। जो भी आइडिया मैंने तुम्हें चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, बेसिकली रैट ट्रैप सेलर ने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था, वो यहाँ पे रिपीट कर देता है। इसके बाद रैट ट्रैप सेलर बोलता है कि अगर यहाँ पे पुलिस आती है और वो मुझे जेल में डाल भी देती है तो तुम याद रखना आयरन मास्टर, एक दिन सेम चीज तुम्हारे साथ भी होगा, तुम भी बिल्कुल मेरी तरह ही एक ना एक दिन इस रैट ट्रैप में फंसोगे और बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे साथ भी होगा। फिर इस बात को सुनकर आयरन मास्टर बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अब मैं पुलिस को नहीं बुला रहा, लेकिन तुम अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन इसी मोमेंट पे एडला वहाँ पर आती है और कहती है कि पापा, मैं नहीं चाहती कि रैट ट्रैप सेलर अभी यहां से जाए क्योंकि वो रैट ट्रैप सेलर हमारे साथ यहां पे क्रिसमस मनाने के लिए आया है और आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी कि आज मैं किसी होमलेस पर्सन की हेल्प करने वाली हूं। भले ही वो इंसान आपका दोस्त नहीं है, लेकिन वो एक होमलेस पर्सन तो है ना, और वैसे भी जो पेडलर होते हैं वो दुनिया में इधर से उधर भटकते रहते हैं, उन्हें कहीं पे भी अपना घर जैसा फील नहीं होता है। और साथ ही साथ हमें किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले तो हम उसे अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं साथ में क्रिसमस मनाने के लिए, लेकिन अगले ही पल हम उसे इल ट्रीट कर के अपने घर से भगा रहे हैं। यहाँ पर आयरन मास्टर भी एडला की बात पे कन्विंस हो जाते हैं और रैट ट्रैप सेलर से कहते हैं कि हाँ भाई, आज तुम क्रिसमस मना लो, कल यहाँ से चले जाना। और फिर इसके बाद वहाँ पे ब्रेकफास्ट लाया जाता है और सभी बैठकर ब्रेकफास्ट खाने लगते हैं, इंक्लूडिंग रैट ट्रैप सेलर। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि आखिर एडला उसकी इतनी हेल्प क्यों कर रही है। और फिर इसके बाद उस दिन ऐसा कुछ खास नहीं होता है, बस वो जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो दिन भर सोया रहता है और वो बिल्कुल ऐसा सो रहा था जैसे वो कई सालों से सोया ही नहीं हो। हाँ, बस जब क्रिसमस ट्री को लाइटन अप करने की बारी आती है तब वो जो पेडलर होता है वो कुछ पल के लिए आता है, देखता है कि क्या क्या सजाया जा रहा है और उसके बाद वो वापस से डिसअपीयर हो जाता है। और फिर इसके बाद वो 2 घंटे बाद उठता है डायरेक्ट डिनर करने के लिए। डिनर करने के बाद जो पेडलर होता है वो वहाँ पर बैठे सभी लोग को थैंक यू और गुड नाइट बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर एडला पेडलर से कहती है कि आपने ये जो सूट पहन रखा है ना, ये मेरे पापा का है और आप इसे क्रिसमस गिफ्ट समझकर अपने साथ रख सकते हैं, और अगर आपको अगले क्रिसमस भी हमारे साथ मनाने का मन हो तो आप दोबारा भी आ सकते हैं। इसके बाद जो पेडलर होता है वो अमेज्ड हो जाता है एडला का ऐसा बिहेवियर देखकर, क्योंकि आज से पहले उसके साथ इतना काइंडली किसी ने बिहेव नहीं करा था। इसके बाद अगले दिन सुबह सुबह आयरन मास्टर और एडला दोनों चर्च जाते हैं और इस मोमेंट पे वो जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो सो रहा होता है। इसके बाद जब आयरन मास्टर और एडला दोनों चर्च पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि किसी ने क्रॉफ्टर का 30 क्रोनोस चुरा लिया है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि एक रैट ट्रैप सेलर है। और ये बात सुनकर जो एडला होती है वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है।
इसके बाद जब एडला वापस अपने घर जा रही होती है, तब उसके फादर मतलब जो आयरन मास्टर होते हैं वो कहते हैं उससे कि देखो तुमने अपने घर में किसको रख लिया है, एक चोर को, पता नहीं उसने हमारे घर से क्या क्या चुरा लिया होगा। इसके बाद एडला और आयरन मास्टर दोनों जल्दी से घर पहुंचते हैं। तब उन्हें सर्वेंट से पता चलता है कि पेडलर ऑलरेडी जा चुका है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं चुराया है, बल्कि उल्टा एडला के लिए एक गिफ्ट छोड़ कर गया है। ये सुनकर एडला जल्दी से उस प्रेजेंट को खोलती है और खोलते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उस प्रेजेंट के अंदर एक रैट ट्रैप था और उस रैट ट्रैप के अंदर 30 क्रोनोस के नोट पड़े हुए थे और साथ ही साथ एक लेटर भी था जिसमें रैट ट्रैप सेलर ने लिखा था कि एडला ने मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया जैसे मैं सच में कोई कैप्टन हूँ या उसके पापा का सच में कोई अच्छा दोस्त हूँ। एडला के इस काइंड बिहेवियर के वजह से मैं नहीं चाहता था कि एडला जैसा कोई भी इंसान मेरे वजह से सैड हो, इसलिए मैं सारे पैसे जो भी मैंने चुराया है वो मैं वापस रख कर जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये पैसे क्रॉफ्टर को वापस कर दिया जाए जिससे मैंने ये सारे पैसे चुराए, और मैं नहीं चाहता कि एडला इस अफसोस में रहे कि उसने एक चोर को अपने घर में रखा था। ऐसे क्रॉफ्टर ने उन सारे पैसों को एक ग्लास विंडो के बगल में रखा था जो हम गरीबों के लिए एक बेट का काम करती है, पर सिर्फ एडला के अच्छे बिहेवियर की वजह से मैं इस रैट ट्रैप में फंसते फंसते बचा हूँ। और ये जो रैट ट्रैप है ये गिफ्ट है एडला के लिए एक रैट की तरफ से, बेसिकली मैं अपने आप को रैट बोल रहा हूँ, तो ये जो रैट ट्रैप है वो गिफ्ट है एडला को एक रैट की तरफ से जो कि इस दुनिया के चारे में फंस चुका होता अगर एडला ने उसे नहीं बचाया होता। मतलब बेसिकली मैं इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस चुका होता अगर एडला ने इतने अच्छे से मेरे साथ बिहेव नहीं किया होता। एडला तुम्हारी इस काइंड बिहेवियर की वजह से मेरे अंदर इतने चेंजेस आए हैं और मैं अपनी अंदर की बुराई को क्लीन कर पाया हूँ, इसलिए ये जो रैट ट्रैप है ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक क्रिसमस ईव प्रेजेंट है। और इस तरह से ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुम लोग मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो एडुकेशनल भैया ऐप जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है वहां से उसे डाउनलोड करो और ज्वाइन कर लो। अब तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।